हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूँ जाहिद और आप देख रहे हैं जरिए एक्शन। सो गाइस, इस समय पाकिस्तान में वन ऑफ द मोस्ट फेमस शो है इसकी, और वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। इसके हर एक वीडियो मैंने जो यूट्यूब पे देखी उस पर बहुत ज़्यादा व्यू आए हैं। उसकी कहानी बहुत ही लाजवाब है। सो गाइस, मिस्टर नोमान अलीम ने इसका एनालाइज करा है और उसके आने वाले एपिसोड का। सो गाइस, पहले वीडियो देखते हैं फिर बात करेंगे। सो हियर वी गो। मिस्टर वाले मिस सेरा, जब हम बात करेंगे इश्किया ड्रामे के एंड के बारे में कि इस ड्रामे का एंड आपको क्या दिखाया जाएगा अगली 5-6 एपिसोड्स में, आपको कौन कौन सी कंडीशंस दिखाई जाएंगी जिनको देख के आप लोग काफी हो जाओगे हैरान, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस ड्रामे की पहली 10 से 15 एपिसोड्स ने आपको काफी बोर किया होगा, लेकिन आगे से आपको इस ड्रामे के अंदर जो सिचुएशंस दिखाई जाएंगी उनको देख के आप लोग काफी होंगे हैरान कि एकदम से इस ड्रामे ने इतना बड़ा ट्विस्ट लिया है जिसको बताऊंगा मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर। तो फिर सीट बेल्ट बांध लें, हेडफोन तान लें, चाय भी भैया छान लें, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इश्किया ड्रामे को बहुत ही ज्यादा लाइक करते हैं और प्रॉपर देखते आ रहे हैं। जो नए लोग आए हैं मेरे चैनल पर, जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, प्रण लो जल्दी से कर लें, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहां @numanlink, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। और वीडियो कर लें जल्दी से लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको स्टार्ट से सारी स्टोरी को ओवरव्यू नहीं देने वाला, सिर्फ हमने डिस्कस करना है कि अब आपको अगली एपिसोड्स में क्या दिखाया जाएगा, जिसमें आपने देखा है टीजर बहुत हद तक आपको आइडिया हो गया होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एलैबोरेट कर देता हूं। अगली एपिसोड में आपको कुछ इस तरह के सीन्स दिखाए जाएंगे जहां पर डेफिनेटली अजीम के भी सब्र का पैमाना जवाब दे जाएगा कि अब अगर दूसरी फैमिली नहीं है और हम दोनों ही यहां पर हैं, हमारे अलावा कोई दूसरा इंसान नहीं, तो कौन सी ऐसी चीज है जो हमना को अभी भी डिस्टर्ब कर रही है और इसके मूड को इतने बुरे तरीके से स्पॉइल कर देती है। तो मेरे ख्याल से वो यहां पर अब अगली एपिसोड में जरा शाउट करके इसके साथ लड़ेगा, या हो सकता है कि इससे पूछे रीजन के क्या बात है, जिसके बाद आपको दिखाया जाएगा इस ड्रामे का जो पहला ट्विस्ट है वो ये कि हमना फाइनली सब कुछ बता देगी सच सच और शेयर कर लेगी अजीम के साथ कि उसके पास्ट में क्या कुछ हुआ, कौन था वो इंसान यहां पर। डेफिनेटली जिस टाइम वो ये बताएगी कि मेरी ही सिस्टर का शौहर इस टाइम जो हमजा है मेरा, उसके साथ पास्ट रह चुका है, जिसकी वजह से ये डेफिनेटली सुनने के बाद अजीम का काफी हार्ड रिएक्शन होगा, काफी ज्यादा वो डिस्टर्ब भी होगा। लेकिन ड्रामे के अंदर आगे से आपको जो इससे भी बड़ा ट्विस्ट दिखाया जाएगा वो ये कि आपने देखा कि रोमी और हमना के बाप की यहां पर हालत थी काफी खराब, जिसके बाद रोमी सुनने के फौरन बाद चली गई थी कराची, और जैसे ही रोमी हॉस्पिटल में जाएगी तो यहां पर पता यह चलेगा कि बाप की कंडीशन इतनी ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी कि वो बेचारे सस्टेन नहीं कर पाए और उनकी डेथ हो गई। ये चीज देखने के बाद रोमी के क्या एक्सप्रेशंस हो सकते हैं आप बहुत अच्छे से आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि ये लड़की अपने बाप से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। तो रोमी को ना मेरे ख्याल से कुछ ऐसे दिखाया जाएगा कि जैसे इंसान बिल्कुल सकते में चला जाता है और उसे समझ नहीं आती कि वो अपने इमोशंस को किस तरह से एक्सपोज करे। एकदम से इंसान या तो बहुत ही ज्यादा चिल्ला के रोता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा शॉक में चले जाते हैं, उनको यकीन नहीं हो रहा होता कि क्या हो गया उनके साथ। स्पेशली ये कंडीशन बनती है जब आपका बहुत ही प्यार करने वाला इंसान या जिसके साथ आपको बहुत ज्यादा प्यार हो वो इस दुनिया से चला जाए। अब मजे की बात यह है कि ये एक बहुत ही अच्छा टाइम था जब हमना ने वो सारी बातें शेयर कर दी अजीम के साथ, क्योंकि एक दफा तो अजीम की तरफ से हार्ट रिएक्शन या जो भी इमोशनल रिएक्शन उसको देखने को मिलेगा, लेकिन जब आगे से पता चलेगा हमना को और उसके शौहर अजीम को कि इस तरह से इसके बाप की डेथ होगी, तो डेफिनेटली कंडोलेंस की कंडीशन में आप चले जाते हो, वहां पर सिंपैथी क्रिएट हो जाती है फौरन से, तो आपको कभी भी दिल नहीं करता कि आप अपने लाइफ पार्टनर को उस टाइम टीज करो जब उसका बहुत ही प्यार करने वाला इंसान इस दुनिया से चला गया। तो डेफिनेटली अजीम एक बहुत ही अजीम सपोर्ट बन के उभरेगा यहां पर हमना के लिए, और उसको इस बात का यकीन दिलाएगा कि वो जिंदगी के हर मोड़ में उसके साथ है और उसको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। अब डेफिनेटली हमना के बाप के मरने के बाद हमजा को भी थोड़ा सा सुकून होगा कि मतलब यहां पर उसको आइडिया होगा कि काफी इमोशनल कंडीशन है, उसकी बेगम का भी वो बाप था, तो वो थोड़ी देर के लिए ठंडा होकर बैठ जाएगा और यहां पर हमना को डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन उसे भी इस बात का नहीं होगा आइडिया कि हमना ने सब कुछ अपने शोहर को बता दिया। दूसरी तरफ जो ड्रामे के अंदर इंटरेस्टिंग सीन हुआ वो ये कि अलिश्बा जो करेक्टर आपको दिखाया गया उसको समहाउ वो सारे प्रूफ्स मिल गए जो कि बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाते कि आखिर कैसे उसको एकदम से ख्याल आ गया कि हमना का कोई कनेक्शन रहा होगा,
पहले हमजा के साथ, मतलब ये क्लू भी उसे मिला तो कहाँ से मिला, मुझे इस बात की समझ नहीं आती। लेकिन आपने देख लिया आज की एपिसोड में कि वो यूनी भी जाके सारी इन्वेस्टिगेशन करके और ख़ास तौर पे उसकी फेसबुक की प्रोफाइल पर वो गई तो गई क्यों, मतलब इसके पीछे मकसद क्या था, उसको कहीं से कोई इशारा देते हुए तो दिखाना चाहिए था ना कि हाँ यहाँ से उसे इशारा मिला जिसकी वजह से वो गई उसकी प्रोफाइल पर और जाकर उसने वो सारे स्टेटस देख लिया। आप मान लो कि मतलब उसकी टाइमलाइन पर जाके कि हाँ इस तरह से बहुत ही ज़्यादा हमना इंटरेस्टेड थी हमजा के अंदर। तो ये जो भी उसने पॉइंट कलेक्ट किए हैं, और ये भी हो सकता है कि वो यहाँ पर स्नूप करे हमजा का सेल फोन जहाँ से उसको कुछ मजीद प्रूफ मिले और वो ये प्रूफ लेकर जाएगी। डेफिनेटली हमना का तो आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि हमना का शोहर तो उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, वो ये प्रूफ लेकर जाएगी हमजा के आगे, नहीं हमजा के आगे नहीं लेके जाएगी, उसकी बीवी यानी कि इस टाइम जो रोमी है उसके सामने लेकर जाएगी और उसको यह बताएगी कि किस तरह से हमजा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड, क्या मतलब प्यार करता था उसी की बहन हमना के साथ, जिसको डेफिनेटली वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगी। रोमी आगे से कहेगी कि तुम झूठ बोल रही हो, कर रही हो बकवास, तो वो उसको वो सारे मैसेजेस या जो भी उसने प्रूफ कलेक्ट किए होंगे उसको दिखाएगी, तो डेफिनेटली फिर भी यकीन नहीं करेगी और देख लगाएगी स्लैब वो भी एलिशबा के मुंह पे, और उसे कुछ समझ नहीं आएगी कि मतलब पहले उसके ऊपर एक इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा कि उसका बाप जिस इंसान से वो बहुत ही प्यार करती थी वो दुनिया से चला गया, और जो दूसरी होप यानी कि एक उसे अपने बाप से बहुत प्यार था और एक उसे अपने उस हस्बैंड से प्यार था जिसके साथ उसकी हुई थी शादी, लेकिन अब वो भी जब एक्सपोज होकर सामने आएगा तो डेफिनेटली रोमी तो एक दफा बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी और वो डेफिनेटली जाएगी हमजा के सामने और हमजा से पूछेगी कि ये क्या है सारा माजरा, क्या है वो सारे मैसेज। तो डेफिनेटली हमजा की पर्सनालिटी भी इस तरह की है कि वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता, शाय नहीं है, यहाँ पर घबराता नहीं है, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सब बंदा है, तो वो डायरेक्टली कह देगा रोमी को कि हाँ वो प्यार करता था, करता है और करता रहेगा उसी की सिस्टर हमना के साथ। तो जिसके ऊपर रोमी देकर लगाएगी चमाटा वो भी हमजा के मुंह पे, यहाँ पर ये क्या बकवास कर रहा है, किस तरह का ये बंदा है। अब होगा ये कि रोमी के आगे पोल खुलने के बाद और जिस तरह से रोमी अब रिएक्ट करेगी हमजा के साथ, तो डेफिनेटली हमजा कभी भी ये बात नहीं बर्दाश्त करेगा कि हम दोनों की हो रही हैं फाइट्स और वहां पर हमना बड़े मजे से सुकून से अजीम के साथ जिंदगी गुजार रही है। तो वो उसको जिस तरह से पहले टॉर्चर करता था, अब जब दोबारा वो टॉर्चर करने की कोशिश करेगा तो इस दफा ब्लॉक कर लेगा, मतलब यहां पर पकड़ लेगा किसी पॉइंट पर अजीम और उसे ये कहेगा कि उसे सारी चीजों का बहुत अच्छे से आइडिया है और उसे इस तरह की ट्राइयां मारने की जरूरत नहीं, जिसके बाद डेफिनेटली हमजा का भी खून खुलेगा कि मतलब सारी बातें इसको पता चल गई और मुझे किसी भी बात का पता नहीं चला, डेफिनेटली अब तो वो कुछ भी कर ले तो हमना का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब ये बात उसके माइंड में आएगी तो वो बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट हो जाएगा और आपको दिखाया जाएगा कि आगे जाके ये भी बहुत ज्यादा लड़ना शुरू हो जाएगा रोमी के साथ, मतलब जो इसका कनेक्शन है रोमी के साथ वो बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब होगा। हमजा पहले तो हमना को टॉर्चर कर लेता था काफी आराम से, अब वो जब ये नहीं कर पाएगा तो उसके माइंड में एक यही सलूशन आएगा कि भाई अब इसकी बहन को इस तरह से जलील किया जाए और इसकी बहन डेफिनेटली जब जलील होगी या इसकी बहन को तकलीफ होगी तो ऑटोमेटिकली हमना को तकलीफ होगी क्योंकि ये दोनों आपस में बहने हैं। तो यहां पर अब वो सीन्स आपको दिखाए जाएंगे जहां पर हमजा का बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा रोमी के साथ, इन दोनों की फाइट्स होंगी और ये भी आपको दिखाया जा सकता है कि हमजा नशे की हालत में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इसकी बुरी कंडीशन दिखाई जाएगी कि जैसे कोई बंदा ड्रिंक करता तो हो सकता है कि ये अपनी बेगम रोमी को डिवोर्स दे दे। अब जब हमजा रोमी को डिवोर्स दे देगा या किसी भी रीजन की वजह से इनकी फाइट होगी और रोमी घर छोड़कर जाएगी, तो डेफिनेटली उसके बाद ये बात जब पता चलेगी हमजा की माँ को तो वो भी इसको देख के लगाएगी स्लैप, किस तरह के घटिया बनते जा रहे हो, तुम्हारी मैंने इस तरह तो परवरिश नहीं की थी जिस तरह के तुम बन गए हो, लेकिन उसके सर पे एक ही इश्क का भूत सवार है जिसकी वजह से इस ड्रामे का नाम है इश्किया, वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि किसी तरह से वो हमना को ही हासिल करे। अब एक तरह से तो हमना बड़ी सेटिस्फाइड है कि उसका हस्बैंड उसे बहुत ही प्यार करता है और हर तरह से उसके साथ स्टैंड ले रहा है, लेकिन उसकी जान सूली पे अटकी रहती है सिर्फ इस वजह से कि रोमी उस बंदे के साथ अटैच्ड है जिस बंदे के साथ कभी वो प्यार करती थी, और डेफिनेटली अब सारे कट्टे चट्टे खुल गए, उसको पता चल गई ये बात कि इसने अपने हस्बैंड को अपने कंट्रोल में कर ली, तो वो सारा का सारा जुल्म करने वाला था
रोमी के ऊपर, और रोमी के ऊपर भैया जुल्म तो उसने कर दिया यहाँ पर। वो डिवोर्स लेके या जिस तरह से भी लड़के जब घर अपने वापस आएगी और सामना होगा यहाँ पर हमना का और रोमी का, तो आगे से हमना ये कहेगी कि मैं तुम्हारी नफरत का अंदाजा लगा सकती हूँ, लेकिन आगे से रोमी ये कहेगी कि मैं चाह कर भी तुमसे नफरत नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ये बात एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही कि मेरी अपनी सगी बहन मुझे इस तरह से धोखा दे सकती है और मेरे साथ इतना बड़ा झूठ बोल सकती है जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद। अब रोमी की ये कंडीशन देख के हमना और उसका शौहर चुप बैठने वाले तो नहीं है, वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे और हमजा को समझाने की कोशिश करेंगे, उसकी फैमिली को समझाने की कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से रोमी को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि वो बहुत ही इमोशनल लड़की है, वो बहुत ज्यादा प्यार भी करने लगी है हमजा के साथ, लेकिन हमजा उसकी एक बात नहीं सुनेगा। अब यहां पर आपको सबसे हार्ट ब्रेकिंग सीन ये दिखाया जा सकता है जो मेरे ख्याल से इस ड्रामे का एक्सपेक्टेडली एंड होगा, कि अजीम हमजा को सेपरेटली ये बात समझाने की कोशिश करेगा कि रोमी तुमसे बहुत प्यार करती है, मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है, तुम उसको अपनी लाइफ में ले आओ, वो तुम्हें बहुत अच्छे से रखेगी और मैं इस चीज़ की तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हें बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा, जो भी पास में हुआ उसको भूल जाओ, मैं भी भूल चुका हूँ इवन कि वो मेरी बीवी है। लेकिन हमजा आगे से ये कहेगा कि आपको जैसे रोमी की आंखों में प्यार नजर आता है मेरे लिए, कि आपको मेरी आंखों में प्यार हमना के लिए नजर नहीं आता, मैं हमना से प्यार करता हूं और मैं अगर आपको ये कहूं कि आप उसे मेरे पास भेज दो और शादी कर लो रोमी के साथ तो कैसा रहेगा। ये बात सुन के डेफिनेटली हो सकती है इन दोनों के दरमियान फाइट, या ये भी हो सकता है कि ये सारी बातें सुन ले किसी तरीके से रोमी, जो बिल्कुल भी बेयर ना कर सके, और आपको इस ड्रामे का एंड, या हो सकता है कि सेकंड लास्ट एपिसोड में, या ये भी हो सकता है कि सिर्फ 3-4 एपिसोड्स के बाद ही कुछ ऐसा सीन दिखाया जाए जहां पर रोमी खुदकुशी कर ले, मतलब अपनी जान से हाथ धो बैठे, जो मेजोरिटी केसेस में आपको ड्रामों में दिखाया जाता है कि एक करेक्टर किसी हद तक ही किसी चीज को बेयर करेगा ना। दो करेक्टर थे इसकी लाइफ में जिसके साथ इसको बहुत ही ज्यादा प्यार था, एक था इसका बाप और दूसरा था इसका शोहर, मतलब इसकी शान जिसके लिए किसी भी तरह से लड़ सकती थी। बाप भी चला गया, बहुत बुरे तरीके से इसको अटैक हुआ, और जो दूसरा बड़ा अटैक था वो ये कि शोहर का एकदम से इस तरह से चेंज हो जाना कि उसी की सगी सिस्टर के अंदर इतना इंटरेस्ट, इतना प्यार और इस तरह की बातें डेफिनेटली कोई भी बीवी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। यहाँ पर करेक्टर था यह रोमी का जो कि काफ़ी इमोशनल करेक्टर था। मुझे ऐसा लगता है, मेरी एक्सपेक्टेशंस, मेरी प्रेडिक्शंस ये कहती है कि रोमी अपनी जान दे देगी, जो कि डेफिनेटली एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग सीन होगा। रोमी की डेथ के बाद यहाँ पर ड्रामे के अंदर एक बहुत ही सन्नाटा सा छा जाएगा, क्योंकि सभी करेक्टर किसी ना किसी एंगल से रोमी से बहुत प्यार करते थे, और रोमी के जाने के बाद हमजा को भी इस बात का एहसास होगा कि उसने क्या खो दिया। उसकी पिक्चर के सामने खड़ा होकर ये रोएगा और ये सोचेगा कि जिस लड़की को मैंने बहुत ज़्यादा प्यार किया उसे कोई और इंसान ले गया, और जो लड़की मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मेरे पे अपनी जान निछावर करती थी, उसको मैं अपनी ज़िंदगी में मेंटेन नहीं कर सका और वो भी इस दुनिया से चली गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस ड्रामे का एंड एक्सपेक्टेडली यही दिखाया जाएगा, जहां पर रिग्रेट में छोड़ा जाएगा हमजा को, क्योंकि इसने बहुत ही तमाशे किए हैं। और इस करेक्टर की सबसे बड़ी सजा भी यही बनती है कि अगर भाई तेरी जिंदगी में एक ऐसी लड़की आ गई है जो तुझे बहुत प्यार करती है और तुझे भी आहिस्ता आहिस्ता उससे प्यार होना शुरू हो गया था, तो छोड़ देता उस इंसान को जिस इंसान के साथ कभी तुम्हारा कोई कनेक्शन रहा। शायद इस ड्रामे के अंदर आपको यही लेसन देने की कोशिश की जा रही हो कि समटाइम जो रिलेशंस ऑटोमेटिकली बन जाते हैं वही आपके लिए सबसे बेहतरीन रिलेशंस होते हैं, ना कि वो जिनको आप समझते हो कि हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट कपल या सबसे बेस्ट रिलेशन यहां पर बन सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस ड्रामे के अंदर ये सब कुछ दिखाने की कोशिश की जा रही है और एक्सपेक्टेडली इस ड्रामे का एंड ये हो सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है भैया जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। गाइस बहुत ही शानदार वीडियो थी, और एक्सप्लेन जो करा है से नोमान अलीम ने बहुत ही शानदार करा है, और जो चीज़ें बताई है बहुत अच्छी है, मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी और अब पता चल गई है, और मतलब सीरियल का एंड भी जो होने वाला उसका प्रेडिक्शन अलीम नोमान भाई ने लगाया, उस हिसाब से अगर ऐसा एंड होता है तो बहुत ही गलत एंड होगा, क्योंकि रोमी एक मरना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना शानदार कैरेक्टर है इश्किया का, जो मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है, जो लाइक रहती ना चुलबुली टाइप की, उस टाइप की, और इनकी जो जोड़ी है रोमी और हमजा की, वो बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लगती है। पर देखते हैं आगे क्या होएगा सीरियल में। और जो एपिसोड का जो 20 का ट्रेजर आया वो बहुत ही धमाकेदार था, मैंने भी देखा और मुझे बहुत पसंद आया। सो गाइस
मुझे वीडियो बहुत पसंद आई, होप आपको भी पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अपनी राय जरूर रखना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।